नमस्कार, मैं मुंबई से मंजू मंगल प्रभात लोढ़ा। सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा अभिवादन। आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक लड़के और एक लड़की की सगाई हो जाती है। एक दिन लड़के के जो पिता हैं वो लड़की के पिता को अपने घर पर भोजन के लिए निमंत्रित करते हैं कि आप आएं और हम मिल बैठकर शादी की बात कर लेते हैं। जो लड़की का पिता है उसको बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ रहती है। वो सोचता है कि मैं लड़के के घर जाऊँगा, वहाँ मुझे खाना पीना करना पड़ेगा, वहाँ कैसा खाना होगा। वो मन ही मन ये सोच कर डरते भी हैं कि मैं कैसे जाऊँ और क्या करूँ। फिर भी क्योंकि लड़की के पिता ने आमंत्रित किया है तो जाना तो ज़रूरी है, इसलिए वो खूब सारा फल मेवा मिठाई लेकर अपने समधी से मिलने जाते हैं। समधी के घर पे पहुँचते हैं, सब उनका बड़ा ही प्यार से स्वागत करते हैं, उन्हें आराम से बिठाते हैं और फिर उनके लिए चाय मंगवाते हैं। वह चाय पीते हैं लेकिन मन ही मन डरते हैं कि इसमें बहुत सारी शक्कर भी होगी। लेकिन अब समधी के घर पहली बार आया हूँ तो कैसे मना भी करूँ। लेकिन जैसे ही वो चाय पीते हैं उन्हें अपने घर की चाय की याद आ जाती है। वैसी ही चाय बनी होती है जिसमें तुलसी है, अदरक डाली हुई है, बिना शक्कर की चाय है। फिर थोड़ी देर वो लोग बैठते हैं, सब बातें करते हैं, फिर भोजन का समय होता है। अब फिर वो बेचारा लड़की का पिता मन ही मन सोचता है कि मैं कैसे भोजन के लिए मना करूं। तला हुआ होगा, मिठाइयाँ होंगी, मिर्ची मसाले ज़्यादा होंगे, मैं किस तरह से खाऊँगा, क्योंकि मुझे तो बहुत अधिक डायबिटीज़ रहती है। लेकिन वो जैसे ही भोजन की टेबल पर आते हैं और उन्हें भोजन परोसा जाता है, वो आश्चर्यचकित रह जाते हैं। उनके मनपसंद भोजन था, पूरा का पूरा जैसा उन्हें चाहिए था, जैसा वो खाते हैं। इसी तरह से पूरा दिन बीत जाता है और उनके लिए हर बार एक आश्चर्य होता है कि हर बार उनकी पसंद की चीज़ें ही उनके सामने परोसी जाती हैं। तब जाने से पहले वो अपने समधी से पूछते हैं कि आपको मेरी सारी पसंद कैसे मालूम है। तब समधी कहते हैं कि कल ही हमारी बहू का रात को फ़ोन आ गया था कि पिताजी आ रहे हैं, वो बहुत संकोची स्वभाव के हैं, वो आपसे कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन उन्हें बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ रहती है और उनके खाने में हम ऐसा ऐसा उन्हें देते हैं, उसी तरह से अगर पापा हो सके तो आप वहाँ भी उन्हें वैसा ही खिलाइएगा। ये सुनकर लड़की का पिता बहुत ही अभिभूत हो जाता है। समधियों के प्रति तो होता ही है, लेकिन मन ही मन उसे अपनी बेटी के प्रति भी बहुत ममता उमड़ती है। और वो जैसे ही घर पहुंचता है, सामने ही उनकी जो स्वर्गीय माताजी की फ़ोटो लगी होती है उस पर एक हार चढ़ा होता है। उस हार को वो निकाल लेते हैं। तब उनकी पत्नी पूछती है, क्यों माँ की तस्वीर से हार निकाल दिया? बोला, माँ मरी कहाँ है, माँ तो बेटी के रूप में मेरे सामने जिंदा है, इसलिए मैं आज से मेरी इस बिटिया को मेरे माँ के समान ही समझूंगा, वो आज भी मेरे लिए जीवित हैं। जी हाँ, बेटियाँ होती ही ऐसी हैं, ममता से भरी, स्नेह से भरी। किसी ने बहुत सुंदर एक कविता लिखी है कि पग पग संघर्ष करती हैं बेटियाँ, फिर भी सफलता को छूती हैं बेटियाँ। कुछ भी न पाने की चाह में आज जन्म फूल सी खुशबू बिखेरती हैं बेटियाँ। घर या बाहर की हो विभिन्न दुनिया, हर रंग में अपने आप को समो लेती हैं बेटियाँ। चुनौतियों के हार पहन कभी न हारने वाली, वक्त के हर सांचे में ढलती हैं बेटियाँ। पराए घर की रोशनी होकर भी दो घरों को प्रज्वलित करती हैं बेटियाँ। माँ बाप से दूर रहकर भी उनके सबसे नज़दीक रहती हैं बेटियाँ, सबसे नज़दीक रहती हैं बेटियाँ। सरस्वती, लक्ष्मी, अन्नपूर्णा और दुर्गा का रूप होती हैं बेटियाँ। इसलिए सिर्फ बेटों की चाह में जीने वालों, याद रखना, बेटों से बढ़कर होती हैं बेटियाँ, बेटों से बढ़कर होती हैं बेटियाँ। नमस्कार।